वेलकम टू फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। विद्या बालन एक उम्दा एक्ट्रेस हैं। साल 2017 में उनकी फिल्म तुम्हारी सुल्लू आई थी और उस फिल्म से उन्हें बहुत पसंद किया गया था। परिणीता, डर्टी पिक्चर, इश्किया, कहानी और पा जैसी फिल्में उन्होंने की हैं, जिसकी वजह से उनकी हमेशा ही बॉलीवुड में बेहतरीन एक्ट्रेसेस में गिनती होती है। आपको बता दें कि फिल्मों में अपनी एक्टिंग से पहचान बनाने वाली विद्या बालन कभी अपनी बॉडी से बेहद ही नफरत किया करती थी। विद्या बालन अलग अलग मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखती हैं। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए विद्या बालन ने बताया कि मैं थायराइड से परेशान हूं, इसलिए मेरा वजन लगातार बढ़ता रहता है। मैं कितनी भी डाइटिंग और वर्कआउट कर लूं, लेकिन मेरा वजन कम नहीं होता है। साथ ही बॉडी शेमिंग को लेकर बात की और कहा कि एक वक्त था जब मैं अपने ही शरीर से नफरत करने लगी थी। मेरी जिंदगी का एक वक्त ऐसा था जब मैं अपने ही शरीर से लड़ रही थी। मैं इससे बहुत गुस्सा थी, नफरत हो गई थी मुझे और इसे बदल देना चाहती थी मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं अपने शरीर को नहीं बदल पाई तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन तब जब मैं जितनी पतली हो सकती थी उस हिसाब से ज्यादा पतली थी, तब भी सभी लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया था। सही मायने में दूसरों की जरूरत और इच्छा के मुताबिक खुद को बदलने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने खुद को स्वीकार करना और खुद के शरीर को सम्मान देना सीखा और इसमें बहुत वक्त लगा है। अब मैं ज्यादा खुश महसूस करती हूँ, मैं खुद को खूबसूरत लगती हूँ। मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छा तोहफा मैं खुद को दे सकती हूँ वो ये है कि मैं अब किसी को भी अपने शरीर के बारे में अलग अलग तरह से नहीं सोचने देना चाहती। मुझे ये चीज बड़ी मजेदार लगती है कि लोग हमेशा अपने शरीर के वजन को लेकर बातें करते रहते हैं। आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ लोग सिर्फ इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, ओह तुम्हारा वजन कम हो गया, ओह तुम्हारा वजन बढ़ गया। मुझे वाकई ऐसा लगता है कि मैं इस तरह की बातचीत को एंजॉय नहीं करती हूँ। लगता है कि लोग कितनी आसानी से दूसरों के शरीर को जज करते हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि हर किसी का शरीर अलग तरह का होता है, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। तो विद्या बालन ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि वो थायराइड से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से उनका वजन नहीं कम हो पा रहा है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।